नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, साउथ के एक फिल्म मेकर है, डायरेक्टर है, जिसका नाम है लीना मनी मेकलाई। इसने कनाडा में चल रहे एक फिल्म फेस्टिवल था जिसमें डॉक्यूमेंट्री दिखानी थी। उस फिल्म फेस्टिवल का नाम था दोस्तों आगा खान म्यूजियम एज अ पार्ट ऑफ इट्स राइटम्स ऑफ कनाडा। इसमें दोस्तों एक डॉक्यूमेंट्री माँ काली के ऊपर दिखाई जानी थी, उसी का पोस्टर इसने शेयर किया दोस्तों। और इसमें जो पोस्टर में दिखाया गया हमारी माँ काली के लिए दोस्तों, वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद ही शर्मनाक है हम हिंदुओं के लिए। मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि हमारी माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, स्मोकिंग करते हुए दिखाया गया है, जो हम हिंदुओं के टॉलरेट होने का पहचान दिखा रहा है कि हम कितना सह सकते हैं और कितने हम जो है दूसरे धर्म के लोग जब हमारे पे टिप्पणी करते हैं तो हम उसे सह सकते हैं, ये हिंदू धर्म के लोग ही हैं जो उनकी माँ देवी काली को इस तरीके से दिखाया जाता है तब भी हम चुपचाप बैठे रहते हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। हालांकि इस क्रम में थोड़ा सा सिनेरियो बदला यूं क्योंकि जब इसने डाला पोस्टर तो पोस्टर में माँ को मुंह में सिगरेट दिखाया इसने पीते हुए। इस लीना मनी मेकलाई, इसका क्या नाम है पता नहीं, इसने जो पोस्टर शेयर किया उसमें माँ को स्मोकिंग करते हुए दिखाया और माँ के बाएं हाथ में जो फोटो जो झंडा था उसमें LGBTQ समुदाय का झंडा था, जो एक बेहद ही शर्मनाक और बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और हिंदुओं की भावनाओं से खेलने वाला और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था दोस्तों। असहनीय था, क्यों? क्योंकि ये एक शब्द नहीं था, ये एक पोस्टर नहीं था, ये हिंदुओं के लिए गाली थी। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि माँ काली को हम अपना आराध्य मानते हैं, माँ मानते हैं, और जब हमारी माँ को कोई गाली देगा वो शब्द पोस्टर नहीं दोस्तों, वो गाली थे। और वो एक मुझे नहीं, वो सब हिंदुओं को गाली दे रही थी उस पोस्टर के माध्यम से। और उस महिला का अभी तक कुछ नहीं हो पाया दोस्तों। अब तो ये किसी दूसरे धर्म में हुआ होता ना तो लोग सिर काटने की बात कर रहे होते, तो कोई धमकी दे रहा होता तो कितने FIR हो गए होते। लेकिन भी हिंदू धर्म के अंदर में थोड़ी सी जागरूकता आई है, जो लोग FIR कर रहे हैं, जो एक अच्छा कदम है। कम से कम इस मामले में एक एडवोकेट है नवीन जिंदल, उन्होंने एक FIR फाइल की है। इसके साथ उत्तर प्रदेश में भी जो है एक FIR फाइल हुई है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद से दो तीन लखनऊ में भी एक FIR फाइल हुई है। लेकिन बात दोस्तों FIR की नहीं है, बात है हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की और हिंदुओं के देवी देवताओं को और उसकी माओं को इस तरह की बोलने की है कि जरूरत कैसे हो गई इस तरीके से करने की। लेकिन इसी बीच दोस्तों आपको मालूम होगा ये जो घटना सारा कुछ हुआ है, ये जो जिसका नाम लीना मनी मेकलाई है, इसका पूर्व में भी इतिहास रहा है। इसने हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी जो मर्यादाओं में पुरुषोत्तम माने जाते हैं उनको भगवान मानने से इनकार किया है। तो खैर इसके भगवान मानने न मानने से थोड़ी कोई भगवान है, वो हमारे आराध्य हैं और हमारे आराध्य रहेंगे। तुम कान खोल के सुन लेना अगर ये मेरी वीडियो देख रही हो तो। और वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ कमेंट्स एंड दिस टाइप ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स। मैं बता दूं दोस्तों इस तरीके के रिमार्क्स को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। क्यों? और ये कहा भी क्यों जा रहा है? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हम हिंदुओं को बोलेंगे और हिंदू ऐसे ही सुनते रहेंगे और चुपचाप लगाकर बैठे रहेंगे। लेकिन इस क्रम में ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, इस क्रम में ऐसा हुआ कि इसमें जो भारत की हाई कमिश्नरी है उसने कनाडा के जितने भी वहाँ के हाई कमीशन है उसको ये कहा कि मेरे पास बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं के इस तरीके से मनी मेकलाई नाम का जो एक डायरेक्टर है उसने ऐसा किया है उसी को लेकर के। तो फिर वहाँ की सरकारों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि वो जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने वाली थी उसके पोस्टर को हटा दिया और ये जो आगा खान म्यूजियम एज अ पार्ट ऑफ इट्स राइटम्स ऑफ कैनेडा है वहाँ से इस पोस्टर को हटा दिया गया है। लेकिन बात दोस्तों पोस्टर हटाने की नहीं है, बात है कहने की जरूरत कैसे हो गई। किसी की माँ को जब मन करेगा तुम गाली दे दोगे, जब मन करेगा तुम ये किसी के परम आराध्य प्रभु श्री राम को कह दोगे कि तुम नहीं तो तुम नहीं मानते हो। और इसी की एक और राज्यसभा की सांसद है TMC की, मोइना मुत्र नाम है कि क्या नाम है उसका, उसने भी कहा है कि मैं ऐसी हिंदू देवी देवताओं को मैं इनको मानती हूँ मीट खाने वाली और शराब पीने वाली, तो उस पर भी ये FIR हो चुका है दोस्तों। और TMC ने उस बात को अपने से अलग कर लिया है। तो खैर ऐसे बहुत सारे इंडिया में हैं जो हमारी हिंदू भावनाओं के साथ, हमारे हिंदू भाइयों के और सभी लोगों के साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और हम कर भी क्या लेते हैं, वो तो धन्य है। मैं सरकार की बड़ाई नहीं कर रहा हूं दोस्तों, यह हकीकत बता रहा हूं कि आज ये दूसरी कोई सरकार होती तो कुछ नहीं हुआ होता। लेकिन इस सरकार ने कम से कम वहाँ से पोस्टर हटाने का काम किया और वहाँ से
इतना ही नहीं, जो कनाडा के उन्होंने कहा है कि हमें पश्चाताप है कि इस तरीके की जो कमें इस तरीके की पोस्टर आ गई थी, वरना ये नहीं आनी चाहिए थी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मीना मैकलाई है इस पर हम कार्रवाई करने की भी बातें कह रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि भारत ने ऑफिशियली कनाडा को कहा है, आज तक कभी नहीं हुआ होगा कि बाहर में कभी कुछ ऐसा हो गया हो और इंडिया ने जब कहा तो ऑफिशियली कुछ कहा। पहली बार हुआ है कि कनाडा में ऑफिशियली रूप से इस चीज़ को हटाया हो, इसे माना है कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाया गया है और इस तरीके के रिमार्क्स नहीं होने चाहिए। दोस्तों अगर इस तरह के रिमार्क्स होंगे तो फिर जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैं उन सभी लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अब भी वो कंडमेंड करेंगे। जब नुपुर शर्मा ने जब बोला तो पूरे देश में बवाल मच गया। अब हमारी माँ को सीधे सीधे सिगरेट पीते हुए दिखाया गया और LGBTQ कम्युनिटी समुदाय के झंडे को लेकर के हाथ में दिखाया गया। अब कोई कम जो भी धर्म निरपेक्ष लोग हैं अब कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे सीधे हमारी माँ को गाली दे देगा और हम हाथ धर के बैठे रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं। उसकी हिम्मत कैसे हो इस तरह की फिल्म को दिखाने की। बार बार लोग कहते हैं कि हिंदू अब जो है वहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं, उस तरीके से कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, इनको कौन कंडेमन करेगा? अब क्या किसी की बोलती निकलेगी कि हाँ इन्होंने ऐसा क्यों माँ काली के रूप में बोला? माँ काली हमारे लिए परमाराध्य हैं और शक्ति की स्वरूप हैं और शिव की शक्ति हैं। आप इस तरीके के बातें अगर माँ काली के विषय में बोलेंगे तो हम लोगों के लिए असहनीय है, फिर दंगों का भड़काना। और दंगे भड़कते हैं तो लोग कहते हैं कि दंगे भड़क गए, तो कौन उसका कॉन्स्पिरेटर है? इन जैसे लीना मैकमलाई इसका क्या नाम है, इसके जैसे लोग जो हैं दंगे को भड़काने का काम कर रहे हैं, जो उचित नहीं है, जो असहनीय है। बाकी दोस्तों मैं यही कहूँगा कि कोई भी कंट्री हो, कोई भी हो, उसको हर धर्म के लोगों का सम्मान करना चाहिए, किसी के भी देवी देवताओं का जो है अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करेंगे तो फिर जो है दोस्तों बड़े बड़े कम्युनल राइट्स होने लगते हैं, तो लोग बोलते हैं कि कम्युनल राइट्स हो गया, और हो भी क्यों ना जाए, क्योंकि आप किसी की माँ के विषय में कुछ बोलेंगे तो वो असहनीय हो जाता है, असहनीय हो जाता है। बाकी दोस्तों मेरा YouTube चैनल कैसा लगा देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।